पहली पत्नी के रहते अगर पति दूसरी शादी कर ले तो क्या होगा, या पहली पत्नी की सहमति से दूसरी शादी कर ले तो क्या वह शादी वैध होगी, या कोई पहली पत्नी के होते हुए किसी लड़की को झूठ बोलकर उसे शादी कर ले, जैसे कि उस दूसरी लड़की को बोले कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ और ऐसा कहने के बाद वह शादी कर ले तो क्या होगा। वीडियो को देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो साइड में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज मिलती रहें। अगर हम कानून की बात करें तो कानून में यह प्रावधान है कि अगर आप हिंदू हैं और आप पहले से शादीशुदा हैं तो आप बिना तलाक के पहले जीवन साथी के रहते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, यानी कि जब तक आपकी पहली पत्नी जीवित है या पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आप दूसरी शादी करते हो तो आप IPC की धारा 494 का अपराध करते हो, जिसमें आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। यह तो होगी एक बात जिसमें बिना पत्नी की सहमति से शादी करने पर होगा। अगर पत्नी खुद अपने पति को दूसरी शादी करने की सहमति दे दे तो क्या पति को सजा होगी, तो इसमें सजा होगी क्योंकि दूसरी शादी अवैध है और ऐसी अवैध सहमति की कानून में कोई जगह नहीं है। इसलिए अगर कोई पति अपनी पत्नी के सहमति से भी दूसरी शादी करता है तो भी उस पर IPC की धारा 494 लगेगी और सजा भी होगी। लेकिन जब तक इस दूसरी शादी की शिकायत नहीं होगी तब तक कोई सजा नहीं होगी। इसलिए अगर आप और आपकी दोनों पत्नियां आपसी सहमति से रह रहे हो तब तक खुशी खुशी रह सकते हो। जब आपकी दोनों पत्नियों में से कोई शिकायत करेगी तभी कोर्ट सुनवाई करेगी और सजा होगी, इसलिए बिना शिकायत कोई सजा नहीं होगी। अब बात आ जाती है अगर कोई पति अपनी पहली शादी को छुपाकर, यानी अपनी पहली शादी के बारे में उस दूसरी लड़की को बिना बताए उसे शादी कर ले तो क्या होगा, तो ऐसा करने वाले लड़के पर IPC की धारा 495 की धारा लगेगी जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई लड़की अपनी पहली शादी को छुपाकर किसी दूसरे लड़के से शादी कर ले तो यही प्रावधान उस लड़की पर भी लागू होंगे। इस प्रकार से जो पहली पत्नी है उसको कानूनन सभी अधिकार मिलेंगे जो एक पत्नी को मिलते हैं, लेकिन जो दूसरी पत्नी है उसको सभी अधिकार नहीं मिलेंगे, यानी कि जो दूसरी शादी है वो वॉइड शादी है। इसलिए उस दूसरी पत्नी के द्वारा कानूनन एक पत्नी के अधिकार की मांग नहीं कर सकती। अगर उसके कोई संतान यानी बच्चा होता है तो वो बच्चा अपने पिता की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने के लिए क्लेम कर सकता है, लेकिन वो दूसरी पत्नी अपने पति से किसी तरह की प्रॉपर्टी लेने के लिए क्लेम नहीं कर सकती।